अम्बाला पुलिस ने अवैध हथियारों सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4 देसी कट्टे और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी अम्बाला कैंट सुरेश कौशिक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पहले आरोपी पर हत्या, लूटपाट और के केस दर्ज हैं, जिसके कारण ये जगाधारी जेल में बंद था और 3 अक्टूबर को ही पैरोल पर आया था। पुलिस का मानना है कि उन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल की है, अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमें CIA 1 की एक टीम है, उसमें हमें सूचना मिली थी कि एक लड़का गुरप्रीत है और वो उसके पास काफ़ी मात्रा में वेपन है और अभी 3 तारीख को ही पैरोल पे आया था। तो इस सूचना के ऊपर हमने इसको महेश नगर एरिया से कल गिरफ्तार किया था और कल इसके पास से 1 देसी कट्टा और कुछ जो लाइव कार्ट्राइज बरामद हुए थे। तो जब इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान इसने अपनी डिस्क्लोज स्टेटमेंट में बताया कि उसने अपना जो इनका ट्यूबल है सरसेड़ी गांव में, तो वहाँ भी कुछ वेपन दबा के रखे हुए थे। तो उसकी निशानदेही पे हमने आज इनसे 3 जो देसी कट्टे और कुछ कार्ट्राइज है तो वो भी बरामद कर लिए हैं। तो टोटल अभी इसके पास से हमने 4 देसी कट्टे और 9 कार्ट्राइज बरामद किए हैं। तो इसकी पूछताछ पे ये भी पाया गया कि इसके जो फादर का मर्डर किया था, राणा गैंग के लोग हैं, तो इस रेवेंज में कुछ इसने ये असलम वगैरह अपने पास रखे हुए थे। इसकी बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड है और अभी ये जगाधरी जेल में था और वहाँ से 3 तारीख को ही पैरोल पे आया था। ये इसमें डकैती मर्डर वगैरह में इसमें शामिल है और इसमें पहले भी इसमें जेल में रह चुका है। ये